एवरीवन, टुडे इज अवर 8 वीडियो लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, जिसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज एंड हाउ टू राइट दी सेल रिएक्शन। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है थ्रू दी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कि ये जो हम गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल का जो यूज़ करते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ देखो, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए हमको टू हाफ सेल्स। मतलब ये जो एक कंटेनर है हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड डिप है, ये एक हाफ सेल हो गया। और ये जो दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर जो हमने एक रॉड को डिप किया है, इलेक्ट्रोड को डिप किया है, ये हो गया हमारे पास में सेकेंड कंटेनर। तो ये जो कंटेनर्स हैं, तो ये कहलाते हैं टू हाफ सेल। ये वन हाफ और ये सेकेंड हाफ, तो टू हाफ सेल। और हर हाफ सेल में यहाँ एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पर डिप होती है, और उसी के आयनिक सॉल्यूशन के अंदर की जो मेटल स्ट्रिप है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, जिंक है। और जिंक की जो स्ट्रिप है, ये जो मेटल की स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये जिंक की स्ट्रिप उसी के आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ZnSO4 के अंदर डिप है। दूसरे साइड आप देख सकते हैं कि जो दूसरे तरफ मेटल है, वो मेटल है कॉपर की स्ट्रिप दिख रही है, और इस कॉपर की स्ट्रिप जो है वो डिप है उसी के आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट में, CuSO4। और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो नोन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट फॉलोज दैट टू मेटल प्लेट्स प्लेट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर आयंस विद नोन कॉन्सेंट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पर यही जो टू मेटल्स की प्लेट्स हैं और उनके आयनिक सॉल्यूशन के अंदर वो डिप है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। टू हाफ सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय इमर्सिंग द टू मेटल्स प्लेट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आयन्स प्लेट्स इन सेपरेट कंटेनर। वैसा ही है कि जो हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, मतलब ये जो हमने मेटल स्ट्रिप जिसे बोला है, वो क्या है एग्जैक्टली, क्या है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। और यही इलेक्ट्रोड्स को हमने उसी के आयनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, और इसको हम एक कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। द टू हाफ सेल्स सो कंस्ट्रक्टेड आर कम्बाइंड टुगेदर। और इनको हमने कम्बाइन किया और उसको, और उसी को कहा हमने गैल्वेनिक सेल। और जो मेटल प्लेट्स है, ये मेटल प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये जो मेटल प्लेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये मेटल प्लेट्स क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैथोड और एनोड, जिसके ऊपर रिएक्शन जो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को करने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर। ये देखो, ये आपको यहाँ पे वायर दिख रहा है एनोड के साइड में और कैथोड के साइड में। तो ये वायर से कनेक्टेड है थ्रू द वोल्ट मीटर, थ्रू द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है एनोड और कैथोड। और वोल्ट मीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। कि ये जो एनोड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहे हैं, जब हम की को क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस वोल्ट मीटर में से यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे। ये काम करता है वोल्ट मीटर। अब ये एक्सटर्नली ये जो सर्किट है, ये कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्ट मीटर। और इंटरनली ये जो सॉल्यूशन को मिलाने का काम कर रहे हैं, तो ये है किसका, सॉल्ट ब्रिज का। इंटरनली दिस सर्किट इज कंप्लीटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे दो चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरा होता है आयंस का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं
और आयंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर और आयंस ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ देखें, टू कंप्लीट द सर्किट द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग मीडियम थ्रू विच कैटायंस एंड एनायंस मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर। तो जो आयंस है वो एक कंपार्टमेंट से अनदर कंपार्टमेंट में जो मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। जो यही जो रिक्वायरमेंट है आयन को मूव करने के लिए एक कंपार्टमेंट से अनदर, मतलब एक हाफ सेल से अनदर हाफ सेल में ये ट्रांसफ़र करने की जो मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन का विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और इलेक्ट्रॉन को जो कंडक्ट कर रहे हैं वो है वोल्ट मीटर। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू, आयन ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब देखें कि क्या है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है और कैसे बनाया जाता है। इन अ गैल्वेनिक सेल द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। आपको पता है कि ये जो दो सेल्स होते हैं, मतलब टू हाफ सेल्स जिसे हम कहते हैं, उसको हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। इट इज़ अ यू ट्यूब कंटेनिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, NH4, NO3 एंड 5% अगार सॉल्यूशन। एक यू ट्यूब है, ये इस तरीके से बेंडेड, ये जो शेप है ये यू शेप आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस यू शेप को हम कह रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, और इसके अंदर हम डालते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट बोले तो जो किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, KCl और KCl या फिर NH4 NO3 एंड 5% अगार सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लिए, और पोटेशियम क्लोराइड लेने के बाद में हमने इसमें डाल दिए 5% अगार सॉल्यूशन। और ये अगार सॉल्यूशन क्या करता है एग्जैक्टली, कि ये थिकनेस के लिए रहता है, इसको थिक करने के लिए रहता है। और द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रोड। अब ये जो दो चीज़ें मिलाकर जब हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये जो रहता है इनर्ट है, ये ना ही ये सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा और ना ही ये इस इलेक्ट्रोड से, मेटल स्ट्रिप से रिएक्ट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज इज प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग अ यू ट्यूब विद हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड अगार अगार सॉल्यूशन अलाउइंग इट टू कूल। अब देखो इसको तैयार कैसे करते हैं, कि ये जो यू ट्यूब, यहाँ पर आपको ट्यूब दिख रहा है बेंडेड, आपको इस तरीके से जो मेन ट्यूब दिख रहा है, तो इस ट्यूब के अंदर हम पहले जो KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने सॉल्यूशन में पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे कहते हैं हम, कि पहले हम जो यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे, तो मतलब वाटर है अगर हमारे पास में सॉल्वेंट वाटर है, तो इसमें इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए कि एग्जैक्ट वो उसमें जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उसको डिसॉल्व कर ले, मीन्स नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट रहता है उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूट ने मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन गरम करके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसके अंदर अगार अगार भी डालेंगे। अगार अगार कितना डालना है हमको, 5% अगार अगार सॉल्यूशन। तो ये एक केमिकल है, अगार नाम का एक केमिकल होता है, और उसको डालते हैं थिकनेस के लिए। जब उसको गरम किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और गरम गरम ही हम क्या कर देते हैं, इस यू ट्यूब, ये जो शेप है इसका यू ट्यूब है, तो उसके अंदर उसको डाल देते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही इसको ठंडा होने दिया, मतलब इसको हमने फिल कर दिया जब इस सॉल्यूशन से, मतलब KCl और अगर अगर सॉल्यूशन से इसको फिल कर दिया गरम, इसके अंदर डाल के और उसको कूल करने के लिए रख दिया, और कूल जब कर देते हैं तो वो जम जाता है, मतलब डेंस हो जाता है, तो और जिसकी वजह से ये
इस ट्यूब में से बाहर नहीं आता. द कूल्ड सॉल्यूशन सेट इन टू अ जेल, वो जेल टाइप का हो जाता है, विच डज नॉट कम आउट ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब. और जब हम इसको इन्वर्ट भी कर देते हैं, मतलब ये ऐसे इस तरीके से उसको उल्टा भी रख देते हैं, जैसे पहले जब हम फिल करते हैं इस ट्यूब को, तो ऐसे हम इसमें फिल करेंगे और फिल करने के बाद इसको कूल होने देंगे. और जब कूल हो गया तो इसको इस तरीके से अगर हम इसको इन्वर्ट कर भी दें तो भी इसके अंदर का जो सोल्यूशन रहता है वो गिरता नहीं है. जब इसको यूज़ नहीं करना होता है तो हम डिस्टिल वाटर में इसको डाल देते हैं, डिप करके इसको रख देते हैं ताकि ये बाहर रहे, तो ख़राब हो जाएगा ये धूल वगैरह की वजह से. तो इसको फिर हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में इसको डिप करके रख देते हैं. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? द सॉल्ट ब्रिज सर्व द फॉलोइंग फंक्शन. इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन एंड देयर बाय कम्प्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ये दो सॉल्यूशन के बीच में ये आयनिक कॉन्टैक्ट है उसको वो मेंटेन करता है. इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. ये टू सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देता, सिर्फ इनके आयंस जो है वो आयंस को ही माइग्रेट करता है, ना कि इनके सॉल्यूशन को. इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मतलब दोनों में भी जो आयंस है, कैटायंस और एनायंस, उनको सेम रखता है, बराबर रखता है, ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे. फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. अब कैसे हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है. अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन दैट इंक्लूड इलेक्ट्रोड, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड अदर स्पेसीज विच मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन. द फॉलोइंग कन्वेंशन आर यूज टू राइट द सेल नोटेशन. ये देखो, ये इस तरीके का नोटेशन होता है कि जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो रिएक्शंस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब हम शॉर्ट में उसको नोटिस करवाते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रोड लगा है वो इलेक्ट्रोड कैसा है, सॉलिड है या फिर गैसेस इलेक्ट्रोड है. इस तरीके से जो सॉल्यूशंस यूज किया है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस, उसका कॉन्सेंट्रेशन वगैरह क्या है, और जो भी अदर स्पेसीज हमने यूज़ किया है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, वो पूरा हम इस सेल रिएक्शन में दिखाते हैं. इस तरीके से जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो हमने लिखा कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, सॉलिड फॉर्म में है. दूसरा Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सॉलिड फॉर्म में. उसमें जो आयनिक सॉल्यूशंस लग रहे हैं वो कौन से फॉर्म में, ये सब रिप्रेजेंट कराना, मतलब फॉर्मुलेशन कराना या फिर हमको नोटेशन देना कहलाता है गैल्वेनिक सेल का. तो उसके कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रूल्स हैं इसके. द मेटल इलेक्ट्रोड और द इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन्स प्लेस एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला और द शॉर्ट नोटेशन. द एनोड इज रिटन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड कैथोड एट द एक्सट्रीम राइट. अब आपको पता है कि जो सेल होते हैं, टू टाइप्स के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस सेल होता है, और दूसरा गैल्वेनिक सेल होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक, और उसी को कहते हैं हम वोल्टाइक सेल. तो ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. और नेगेटिव जो चार्ज है उसके ऊपर, मतलब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड के ऊपर में रिडक्शन होना है. ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान में रखना है. तो एनोड को पहले लिखना है, मतलब ये रहना है आपके पास में लेफ्ट साइड में, और कैथोड जो है इसको लिखना है आपको राइट साइड में. तो जैसे अगर सपोज ये सेल फॉर्मुलेशन इस तरीके से है, तो ये है आपके पास में, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड. तो जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में लिखना है आपको एनोड का रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड लिया है और उसका आयनिक सॉल्यूशन लिया है, और राइट साइड में लिखना है आपको इलेक्ट्रोड और उसका कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है. और ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस ये इलेक्ट्रोड को और आयंस को सेपरेट करती है.
द इंसॉल्यूबल स्पेसिस इफ एनी और गैसेज आर प्लेस्ड इन द इंटीरियर पोजिशन एडजस्टेंट टू द मेटल इलेक्ट्रोड. अगर कोई इंसॉल्यूबल स्पेसिस है जो डिजॉल्व नहीं हुई है या गैसेज वगैरह अगर प्लेस्ड हैं तो उनको इंटीरियर पोजिशन पे यहाँ पर इसके बीच में रखा जाता है. द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयन्स आर प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द सेल फार्मूला. ये जो मिडल ऑफ द सेल फार्मूला, ये जो बीच में है, जो एक्वियस सोल्यूशंस है यहाँ पर इनके बीच में रखा जाता है. मतलब इधर आजू बाजू में जो है लेफ्ट एंड राइट साइड में है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, मतलब एक तरफ है यहाँ पर एनोड और दूसरे साइड में है कैथोड. एनोड और कैथोड के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर इसके आयनिक सोल्यूशन. अ सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू फेसेस इंडिकेट द फेस बाउंड्री. इट इंडिकेट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. फेस बाउंड्री मतलब एक जो फेस है यहाँ पर, जैसे अगर हम यही एग्जाम्पल लेते हैं तो ये सॉलिड है और ये जो यहाँ पर इसका एक्वियस सोल्यूशन है, मतलब ये एक्वियस फॉर्म में है, तो एक्वियस सोल्यूशन और सॉलिड है यहाँ पर, तो ये दोनों भी जो फिजिकल स्टेट है इसका डिफरेंट है. तो फिजिकल स्टेट के बीच में इसको ये एक वर्टिकल लाइन से हमने इसको सेपरेट आउट किया हुआ है. अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सोल्यूशन इंडिकेट दैट दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. अगर ये टू वर्टिकल्स लाइन दिख रही है आपको तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज से ये कनेक्टेड है, कि ये दो आपके पास में हाफ सेल्स हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड जो है ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट है और इंटरनली ये जो है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है. तो ये सॉल्ट ब्रिज अगर है तो यहाँ डबल वर्टिकल लाइन से हम इंडिकेट करेंगे. द एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड गैस प्रेशर इज ऑल्सो गिवन. और इसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में है या सोल्यूशन फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप ये पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर शो करेंगे. अ सिंगल हाफ सेल इज रिटन इन द ऑर्डर एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयन फर्स्ट एंड देन द सॉलिड इलेक्ट्रोड. तो अगर आपके पास एक ही हाफ सेल है, एक ही सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लिखेंगे उसका आयनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद कि जो इलेक्ट्रोड है उसका रिप्रेजेंटेशन. ये सॉलिड है और यहाँ पर ये एक्वियस सॉल्यूशन है, उसका आयनिक सॉल्यूशन है, उसको हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन से यहाँ सेपरेट कर रहे हैं. तो अगर सिंगल है तो ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है. दिस ऑर्डर इज रिवर्स व्हेन द इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड इन द सेल. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट दिस एग्जाम्पल. द सेल कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड सिल्वर कैथोड. एनोड है और कैथोड है और दो सेल को फॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ टू सेल. तो यहाँ पर अगर दो सेल्स हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम का सेल है और यहाँ पर सिल्वर का एक सेल रिएक्शन दी हुई है, और आपका जो रूल है कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए एनोड और राइट साइड में होना चाहिए कैथोड. तो देखो कैथोड के रिएक्शन के साइड में जो राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कि पहले आपको आयनिक सॉल्यूशन लिखना है. जैसे यहाँ कह रहा है कि पहले आपको सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयन फर्स्ट ऐसा लिखना है और उसके बाद में सॉलिड इलेक्ट्रोड एजी ये लिखना है. तो इस एनोड की रिएक्शन को हमको रिवर्स कर देना पड़ेगा. मतलब पहले हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड का जो है वो और उसका आयनिक सॉल्यूशन, कि ये जो आयनिक सॉल्यूशन और आयनिक सॉल्यूशन है ये एक साथ में आ जाए. क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल लिखते हैं तो ये इंटरनली ये यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होता है दो सॉल्यूशन, तो इसलिए ये दो सॉल्यूशन को हम एक साथ लिखते हैं और इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको उसके पहले लिखा जाता है. तो एनोड कैथोड और उनके बीच में उनके आयनिक सॉल्यूशन. अगर हमको सिंगल लिखना होगा तो सिंगल में हम पहले इलेक्ट्रोड जिसमें डिप है वो आयनिक सॉल्यूशन लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रोड लिखेंगे इस तरीके से. तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंगल के लिए और डबल के लिए. राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन. अब सेल रिएक्शन, सेल इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, लेकिन अब रिएक्शंस लिखना है. कैसे रिएक्शन लिखेंगे अब यहाँ देखना है. द सेल रिएक्शन
corresponding to the cell notation is written on the assumption that right hand side electrode is cathode and left hand side electrode is anode. जैसे अभी हम देखते आ रहे हैं कि जो आपके पास में लेफ्ट साइड होता है और जो राइट साइड होता है किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए, तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर जो शो करते हो वो होता है एनोड और राइट साइड में जो होता है कैथोड. तो एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर में होती है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर एट एनोड. एनोड के ऊपर क्या होना है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होना है. और रिडक्शन कहाँ होना है? यहाँ पर कैथोड के साइड में. तो जो सेल रिप्रेजेंटेशन हम दिखते हैं, नोटेशन लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन. इट देयरफॉर फॉलोज दैट इन गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ऑन द राइट साइड इलेक्ट्रोड. द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड टू राइट द सेल रिएक्शन. अब सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेप्स हैं. राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. ये तो पता है हमको कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रिएक्शन हो रही हैं, पहले हमको लेफ्ट साइड पे दिया है एनोड, एनोड पर रिएक्शन होना है ऑक्सीडेशन की. पहले हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर राइट साइड जो नोटेशन होगा राइट साइड में होगा कैथोड, और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन की. तो फिर हम रिडक्शन की हाफ रिएक्शन को लिखेंगे. दोनों साइड की रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिएक्शन लिखने के बाद इसको बैलेंस करेंगे. एड टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन टू गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन. तो अब आपको पता है कि जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन करके हम लिखते हैं यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन. वाइल एडिंग द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल. जब हम ये दोनों रिएक्शन को जब एडअप करेंगे तो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं वो कैंसल हो जाएं. फॉर दिस पर्पज इट मे बी नेसेसरी टू मल्टीप्लाई वन और बोथ द हाफ रिएक्शन बाय अ सूटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर. कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड अपियर इन द ओवरऑल, नो इलेक्ट्रॉन शुड अपियर इन द ओवरऑल रिएक्शन. कि हमको ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से बैलेंस करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहे ही ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वहाँ पर कैंसिल हो जाएं. तो इस तरीके, अब यहाँ एक एग्जांपल को देखें कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हमको कैंसिल करना है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिखे ही ना. कंसिडर द रिएक्शन. यहाँ पर एक सेल है, कंसिडर दिस सेल. ये सेल नोटेशन है. ये सेल नोटेशन में आपको पता है ये है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड. लेफ्ट साइड पर होता है यहाँ पर एनोड और लेफ्ट साइड पर होता है कैथोड. एनोड पे होती है रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन की. रिडक्शन पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है हर एक के लिए. द ऑक्सीडेशन एट एनोड इज, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये जो साइड है आपका, ये एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है. अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब निकल ने टू इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, Ni टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन में कि यहाँ NiLa एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और फॉर्म किया Al. ये ऐसी रिएक्शन है. अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है कि ये जो ऑक्सीडेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये दोनों को हमको बैलेंस करना है. जब ये दोनों को बैलेंस करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब क्या करके हम बैलेंस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे मतलब टू को अगर हम इस रिएक्शन को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 3 2 6. और इसको हमको 6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2 से, कि 2 3 हो जाए ये 6. तो ये पूरी रिएक्शन को हम मतलब बैलेंस करेंगे
कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर है ये सेम हो जाए, और जब हम इसको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। तो बैलेंस यहाँ पर देखो, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड रिडक्शन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो फिर इस दोनों भी हाफ रिएक्शन को जब हम एडिड करेंगे तो हमको मिल जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। जब ओवरऑल रिएक्शन चाहिए हमको तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। देखें इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 3Ni। यहाँ पर देखते रहे अब 3Ni टू गिव 3Ni2 पॉजिटिव प्लस, अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ये हो गया 2Al, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को जब हम ऐड करते हैं, इसको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो यही तो करना था हमको कि इलेक्ट्रॉन नंबर बचे ही ना। और यहाँ पर अब इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3Ni, ये लिखे हमने 3Ni, ये हो गया 2Al, Al3 पॉजिटिव, ये हो गया 2Al3 पॉजिटिव, एरो के पहले एरो के बाद जो है 3Ni2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Al, ये हो गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमको सेल रिएक्शन को लिखना है। सबसे पहले अभी हमने देखा है आज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल का कंस्ट्रक्शन, कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके बाद में उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज़ है, सेल का फॉर्मुलेशन एंड सेल का नोटेशन, सेल रिएक्शन को कैसे यहाँ पर बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आगे उसके टॉपिक्स।